अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी फरोश। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े से अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे होंगे। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई तो अपना ख्याल रखें, अपने आप को कवर रखें ताकि इस ठंड से आप लोग बच सकें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं जी रूडन इनक्लेव के हवाले से। सबसे पहला सवाल है कि इज़ इट सेफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट और नॉट, और दूसरा ये कि NOC का जो स्टेटस है वो सोसाइटी का क्या आ रहा है। अगर मैं आपको इसके NOC स्टेटस के हवाले से अपडेट देती चलूँ तो CDA की वेबसाइट पर अगर आप देखते हैं तो एज सच रूडन क्लेव का कोई NOC स्टेटस है उसकी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर चेक करते हैं तो उसका जो NOC का स्टेटस है वो अंडर प्रोसेस नज़र आता है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ये अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के जो लोग ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और डेवलपमेंट की अगर मैं आपको अपडेट देती चलूँ तो बाकी सोसाइटीज़ के साथ कंपेयर किया जाए, जैसे कि चक्की रोड पर ब्लूवर सिटी आती है, कैपिटल स्मार्ट सिटी आती है, तो उस हिसाब से डेवलपमेंट के प्रोग्रेस के हवाले से रूडन इनक्लेव थोड़ी सी पीछे है। एज सच ब्लूवर सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी के साथ जारी है। अगर इसकी अभी डेवलपमेंट की बात की जाए तो कहा तो यही जाता है और सुना भी यही जाता है कि इसके अंदर काम हो रहा है और बहुत जल्द रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है उसकी वजह से भी इसका काम जो है कुछ डिले पे है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे यही उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है इसके अंदर उनको फ़ायदा होगा। और रेजिडेंशियल, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, ये जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग सोसाइटी है, टाइम लगेगा इसके अंदर डेवलप होने में और एज सच प्लॉट कटिंग्स और लोगों को पोजीशन मिलने में। तो अगर आप लोग भी इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करें, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें और हमारे ऑफिस विजिट करें जो कि लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।